with the start of the module 106 we are going to shift from the consumer analysis to the other aspect or the major aspect of our microeconomics that is the production analysis and the first topic in the production analysis is the technical constraints what is the production that we have to study today whenever we are dealing with the various aspects in the life we see that there are the various Products and these products are some are naturally produced, means we can say the rock, the rain, and lightning. But there are the many things that are produced by a combination of various efforts and various endowments or the various technological aspects. So, likewise, we can see that some products are produced by a group of people, some products they are produced by a single person and likewise so anything that is produced in the economy and that is utilized for the various consumers or even that can be utilized for various producers for the further production of other things that will be produced by a certain process and that process generally in the form of the economic terms it is called the production process this production process it involves the utilization utilization of goods utilization of services utilization of technology and all other this type of the forms so any activity any transformation that includes a various combination of the goods and the services to have a combination in such a way that it will lead टू एन अदर थर्ड प्रोडक्ट और द फोर्थ प्रोडक्ट और सर्टन आउटपुट दैट विल बी अ प्रोडक्शन प्रोसेस अगर इसको मैं सादा लफाज में आपसे कहूँ तो आप ये देखेंगे कि प्रोडक्शन हम अगर हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो मुख्तु तरीकों से होती थी जिसमें सबसे पहला ऑस्पेक्ट ये था ये किसी पर्पज पे है नो इंसानी में सबसे बुनियादी चीज थी अपनी खुराक और अपना शेल्टर हासिल करने के लिए तो खुराक हासिल करने के लिए जिस तरह पहले जंगली जानवर उनको जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था तो सिंगल फॉर्म में भी बंदा कर सकता था कुछ बड़े जंगली जानवरों के लिए कुछ लोग मिल के कर लेते थे तो अगर हम कहें तो वो एक टीम वर्क हो जाता था उसी तरीके से अगर देखें तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने मुख्त हथियार बनाना शुरू किए पत्थरों की मदद से नेजी की मदद से तीर की मदद से तो वो टेक्नोलॉजी का ऑस्पेक्ट उसके साथ ऐड होता चला गया उसने अपनी इंटेलेक्ट अपनी जहानत से मुख्तफ ऑस्पेक्ट यूज़ किए सो द विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ही चीज़ के लिए मुखलिफ तरीक़ेकार इस्तेमाल होते होते अगर हम कहें तो वह एक प्रोडक्शन प्रोसेस टीम वर्क की फॉर्म में ग्रुप की फॉर्म में होते होते एक और शक्ल इख्तियार कर गया कि फिर उसी खुराक को हमारे ज़रात के तरीकों से उगाया जाने लगा अब उसमें अगर हम दोबारा देखते हैं तो अगेन अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इट केम इन दिस फॉम कि एक किसान है लेकिन उसको पानी भी चाहिए उसको बीज भी चाहिए उसे खाद भी चाहिए उसको मुख्तलिफ़ फॉर्म में दूसरे लोगों की मदद भी चाहिए जब उसने उसमें अपनी दूसरे लोगों की लेबर को यूटिलाइज करना होगा उसी तरीके से एक कम्बिनेशन हो जाता हमारे पास तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो वेरियस यूटिलाइजेशन ऑफ एंडमेंट्स सर्विस एंड द गुड्स वट इट प्रोड्यूस टू द इकोनमी फॉर द एक्सचेंज ऑफ द इकोनोमी सिस्टम टू रन इट बिकेम द प्रोडक्शन प्रोसेस और द प्रोडक्शन सिस्टम और जब हम बात करते हैं तो इसमें एक टर्म है डेट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबलिटीज़ और द प्रोडक्शन पॉसिबलिटीज़ से अगर हम देखें तो इट मीन्स कि एक ही इनपुट जिसको अगर हम कहें वो सिर्फ एक ही काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा वो मुख्तलिफ़ अवत में मुख्तलि कंबीशन में मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ आउटपुट के लिए इस्तेमाल हो सकता है यानी एक ही अगर हम लेबर की एग्ज़म्पल लें तो वही लेबर ज़रात में भी इस्तेमाल होगी वही लेबर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होगी तो वो दोनों जगह पे इस्तेमाल हो सकती है अगर हम देखें तो वही पानी इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होगा वही पानी ज़रात में भी इस्तेमाल होगा इसी तरीके से बिजली अगर हमारा आज का एक इनपुट है तो बिजली मुख्तलिफ़ किसानों ने अपने ज़रात के लिए इस्तेमाल करनी है हमने अपने घरों में इस्तेमाल करनी है जिसमें आप छोटे छोटे कारखानों में सो दिस कैन बी द वेरियस ऑस्पेक्ट जिसमें हम कहें कि वट एवर दे आर तो बहुत सारे इनपुट्स के आपस में वेरियस कंबिनेशनस हो सकते हैं उनकी क्वांटिटीज़ फ़र्क हो सकती हैं और उनमें से हम जिसको अगर जिस भी जगह पे यूटिलाइज़ करना चाहें तो उसी तरीके से किसी एक चीज को प्रोड्यूस करने के भी मुख्तलि तरीके कार हो सकते हैं तो दीज ऑल विल बी कवर्ड अंडर द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑस्पेक्ट अवेलेबल टू द एंटरप्रन्योर्स और टू द प्रोड्यूसर्स नाउ कमिंग टू द अदर ऑस्पेक्ट जब हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक्स में दैट इज कॉल्ड द फर्म अब ये फर्म का अगर हम देखें तो ये कहां से नाम या कहा से अराइज हुआ तो ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने बात पहले की थी कि ओवर द टाइम पहले एक शख्स काम करता था कुछ काम करने के लिए उसने देखा मुझे दो चार लोगों की ज़रूरत है तो फिर उसने उसके मुताबिक उनकी एक टीम बना ली एक ग्रुप बना लिया तो फर्म में बेसिकली अगर हम देखें तो डिफरेंट लोग हैं और उनके मुख्त काम हैं और दे आर अंडर अ टीम वर्क एंड ओवर द टाइम बहुत से लोगों में अगर हम देखें तो उनके पास रिसोर्स डिफरेंट थे कुछ को अल्लाह ताला ने जहानत ज्यादा दी कुछ के पास वेल्थ अवेलेबल थी तो बहुत से लोगों में अगर हम देखें तो ओवर द टाइम द पीपल दे वर यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सिस फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ द ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन और इन द फॉर्म ऑफ द एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमी अब ओवर द टाइम उनमें से कुछ ने इन्वेस्ट किया इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी कुछ ने मीन स्टीम इंजन बनाया किसी ने अगर हम कहें माइनिंग में इन्वेस्ट किया कुछ ने देखा कि वो और कुछ नहीं कर सकते बट दे हैव द वेरियस कैपेबिलिटीज रिलेटेड टू दैट कि वो कुछ लोगों को इकट्ठा करके अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो जब ऑर्गेनाइज किया तो उस एक शख्स की कैपेसिटी ऐसी है कि वो छठ या उससे ज़्यादा लोगों को मुख्तलफ जगहों पर डील करके एक काम में लगा सकता है इन तमाम कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए जब एक ग्रुप ऑफ पीपल एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में काम कहेगा तो उसको हम कहते हैं कि दैट आ फॉर्म और वो फॉर्म एक इंस्टीट्यूशनल नाम बन जाता है जो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइज काम जिसका एक टारगेट हो और उसके जरिए वो काम करे और फिर वो मार्केट इकोनॉमी की जो वेरियस थ्योरीज हैं हमारी फॉर्म की वो इसी से अराइज होती चली गई मीन नाउ द फॉर्म स्मॉल फॉर्म हो सकती है इसमें पाँच से दो दस लोग भी हैं मीडियम साइज़ की फर्म्स हो सकती हैं जैसे मैं नंबर ऑफ़ एम्प्लाइज पचास साठ भी हो सकते हैं लार्ज एंड देर आर मैनी लार्जर फर्म्स जिनकी अगर हम काउंट करें तो देर आर द एम्प्लाइज ओवर द टाइम थाउजेंड्स ऑफ नंबर में भी हो सकते हैं सो so बेसिकली जो फर्म है ये एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के बजाय ये यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफरेंट ऑस्पेक्ट्स के लोगों का काम डिवाइडेड है उनकी स्पेशलाइजेशन हैं सम दे आर जस्ट वर्कर एज जिसको हम कहेंगे कि वो एम्प्लायर है वो ओन कर रहा है रिसोर्सिस को अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एम्प्लायर कौन है जो रिसोर्सिस को ओन कर रहा है एक एम्प्लायर वो है जो रिसोर्स को ओन करने के साथ साथ वो उनके दरमियान डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है वो वर्कर्स को हायर कर सकता है एंड लाइक वाइज इफ वी मूव ऑन फर्दर वो डिसाइड करता है कि हाउ मच ऑफ द इनपुट वी हैव टू परचेज विच टाइप ऑफ द आउटपुट वी द पॉसिबल और द प्लॉजिबल कंबिनेशन ऑफ द इनपुट्स, विच टाइप ऑफ द टेक्नोलॉजी वी हैव टू यूटिलाइज़, सो द डिसीजन पावर इट लाइज इन द हैंड ऑफ सर्टन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन और ये जनरली आप सब देखते हैं अपने इर्द गिर्द कुछ फॉर्म्स में हम कहते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है कहीं ओनर है कहीं चीफ एग्जीटिव है तो लाइक वाइज दिस आर रन इन अ वेरी ऑर्गेनाइज मैटर इन अ वेरी ऑर्गेनाइज मैनर टू हैव एन आउटपुट और द प्रोडक्शन सेटअप एंड दिस इज द मेन सेटअप दैट द एंटरप्रन्योर और जिसको अब हम ओवर द टाइम कैपिटलिस्टिक एंटरप्रेन्योर कहते हैं उस कैपिटलिस्टिक एंटरप्रेन्योर के पास अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एंड ऑल द इनपुट्स जो सारे सेटअप में इस्तेमाल होंगे वो चाहे कैपिटल हो कैपिटल की वेरियस फॉर्म्स हैं जिसमें बिल्डिंग जिसमें लैंड जिसमें आपकी एनर्जी जिसमें आपका फर्टिलाइजर और अगर आप मुख्तफ जगहों पर बैठी मुख्तु किस्म की इंडस्ट्रीज़ को देखें जो उसका इनपुट होगा कहीं पर केमिकल्स होंगे कहीं पर धागे का काम होगा कहीं पर हमारी रुई का काम होगा कहीं ये तमाम इनपुट्स हैं ये फिजिकल फॉर्म में अगर हम कहें तो देट विल बी द फॉर्म ऑफ कैपिटल और लेबर की स्किल्ड लेबर है नॉन स्किल्ड लेबर है सेमी स्किल्ड लेबर की फॉर्म हो सकती है डिफरेंट हायर लेवल मैनेजर्स हो सकते हैं हम उसमें चाहे किसी भी नेचर की काम होगी वो एनी सॉट ऑफ लेबर की फॉर्म में आ सकता है तो दीज ऑल द ऑस्पेक्ट दैट आर अवेलेबल दे आर बेसिकली द टेक्निकल कॉन्सट्रेंट अवेलेबल टू दैट फॉर्म